हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना सारा रोटेन फ्लैश तैर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मारा था बहुत सारे ड्रोन्स को और ड्रोन्स को मार के मुझे मिल गया टोटल 4 ट्राइडेंट। गाइस सोच रहे हो यार 4 ट्राइडेंट, और ऊपर से मेरे पास एक ट्राइडेंट और है जो मैंने फिश फार्म के टाइम शायद आप लोगों को नहीं बताया था। और तो मुझे मिल चुका है डायमंड, तो मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया था अपना ये सिल्ट से, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्चून वाला अभी घर में रखा हुआ है। तो अभी फटाक से ओ भाई भाई अभी मैं इसके अंदर गिर जाता वैसे ये वाला साइड हाँ एक्सप्लोर कर दिए। सो दोस्तों अभी मैं फटाक से चलता हूँ अपने घर के पास। और राइट दोस्तों, तो अभी मैं अपने ये घर के पास आ चुका हूँ। वैसे मेरा घर तो बना हुआ है ही नहीं, तो अभी मैं यहाँ पर मैंने अपना ये कुछ कॉपर स्मेल्ट करने के लिए रखा था। मेरे पास बहुत सारा ही कॉपर मतलब रॉ कॉपर था, तो उसको स्मेल्ट करने ओ भाई इतना सारा मुझे कॉपर मिल चुका है, कॉपर इग्नेट। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे जितना भी सामान लाया हूँ और माइनिंग करके मुझे और भी ये डायमंड्स मिले थे, इसको ये रख लेते हैं। और वैसे मेरा फॉर्चून और पिकैक्स यहाँ पे है ना, सो हाँ यहाँ पे। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे एक और ट्राइडेंट है मेरे पास, तो अभी इन सभी ट्राइडेंट को अच्छे से लगा देते हैं लाइन वाइज। और राइट, तो इन सबको एन्चेंटमेंट फ्री का भी लगाऊंगा, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कुछ भी। और राइट, तो अभी मैं सबसे पहले इन सभी ओर्स को लगाते जाता हूँ, ये खाना रखते हैं। तो ओर्स को एक मिनट, ओर्स को लगा कर तो भाई साहब सबसे पहले देखते हैं इस इतने आयरन में कितना मिलता है मुझे। वाह, पूरे 20 आयरन मिल चुके हैं। और अभी मैं डायमंड एक बार चेक करता हूँ कि मुझे 5 रॉ डायमंड से कितने ये डायमंड मिलेंगे। गाइस पूरे 16 मिल गए गाइस, भाई साहब यार ये तो मतलब मौज हो गई मेरी। तो अभी इसको रखते हैं और रॉ आयरन ना, तो इन सबको भी लगा देते हैं। अभी नॉटलेस से मिला है तो इसको भी रखते हैं। और क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पर, रख लेते हैं। और राइट गाइस, तो लगभग मैंने सारा ही सामान रख दिया है। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले इन आयरन्स को भी निकाल लेता हूँ, देखता हूँ कितना मिलता है। और राइट गाइस, तो मेरे पास आ चुका है टोटल 2 स्टैक के अराउंड ही आ चुका है। तो ऑटो मैंने यहाँ पे ग्लास भी लगाए थे, अभी मुझे यहाँ पर आयरन को भी लगाना है। तो उससे पहले मैं इन सब को भी ले ही लेता हूँ, फिर देखते हैं कि कितना बनता है मेरे पास। ये लैपिस लजुई चेक करते हैं। और राइट गाइस, टू बॉयज अब इतना ज़्यादा ज़्यादा मिल रहा है ना, आप क्या ही बताएं। अभी इन दोनों को भी करते हैं एक बार। और रेड गाइस, तो 5 वो में से मुझे मिल चुका है पूरे 10 अभी रेड स्टोन। ओ भाई साहब मेरे इतना ज़्यादा मात्रा में मुझे सामान मिल रहा है, आप क्या ही बताए। अभी इसको कर लेते हैं कुछ ऐसे, इसको कर लेते हैं कुछ ऐसे। और अभी यहाँ पर कुछ होगा नहीं, अपने एमरेंड को संभाल कर रख देता हूँ। और राइट, चलो तो यहाँ पे रखेगा हमारा ये लैपिस लजुई सब वहाँ पे रखाता है। तो अभी यहाँ पर रेड स्टोन रख देते हैं। और राइट, और अभी रेड स्टोन को भी स्मेल करने के लिए रख देना है, तो एक दो लेते हैं, एक को इस पे डालते हैं और दूसरा को इस पे। ये गोल्ड को फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि गोल्ड का तो एक अच्छा सा फार्म है। आयरन का भी फार्म है लेकिन वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो मेरा फिश फार्म है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने हैवी लूट मिल चुका है मुझे। एक लर्ड 2 मेंडिंग 1 और कर्स ऑफ वेनेसिंग 1 वाला मुझे एक फिशिंग रॉड मिल चुका है। एक ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4
का इंचेंटेड बुक मिल चुका है, और तो मुझे एक अनब्रेकिंग ट्री वाला बुक ए मतलब बो और फ्लेम वन वाला बो मिल चुका है। तो ये वाला फॉर्म भी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं यहाँ पे फटाक से सबसे पहले मेरा और क्या क्या सामान था, अच्छा मुझे फीस वीस रखना है, तो मैं सारा सामान पर रख के आता हूँ और फिर आज का फॉर्म बनाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपना सारा सामान रख दिया है। अभी सबसे पहले सामान ले लेते हैं, ये बहुत सारा ग्लास चाहिए, और राइट, तो मैंने बहुत सारा गिलास रख दिया है। अभी मैं फटाक से एक होई भी निकाल लेता हूँ, मेरे पास शायद होई है, तो तीन को होई ले लेते हैं। और राइट, अब ये तीनों होई तो ले लिए हैं, ये मुझे बस जगह देखना है और डर्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा ना, तो डर्ट मैं एक हिस्सा ले लेता हूँ। ओ भाई बारिश गिर रहा है, फटाक से शायद नींद नहीं आ रहा है ना, तो अभी तो सो नहीं सकते हैं, काम ही करना होगा। तो मेरे ख्याल से एकदम सही जगह होगा मेरा ये साइड ही, क्योंकि ये साइड में मेरे बगल में ही है फार्म। तो अभी मैं सबसे पहले चावल वाला काम कर लेता हूँ, ये वाला फार्म कुछ पहले कांच लगा लेते हैं, और ये वाला कांच शायद ठीक नहीं रहेगा, मुझे शायद वाइट स्टेन ग्लास चाहिए होगा। तो मेरे पास शायद बहुत सारा बोन मील है, तो मैं फटाक से वाइट डाई बना लेता हूँ, ये मेरा बन गया। एक मिनट, अच्छा मैं ऐसे ही बना सक ले सकता हूँ ना, तो अभी एक स्टैक ले लेते हैं। अभी एक स्टैक का एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर ये वाला सही रहा तो इसी का बनाएंगे। ओ भाई, अभी फटाक से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, एक दो तीन, एक ये चार, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, एक चार, ये और मेरे ख्याल से रात हो गई क्या। ओ भाई, फटाक से मैं जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि अगर रात हो गया तो फिर मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे बारिश हो, वहाँ पे बारिश नहीं, यार ये माइका वाला का तो अलग ही लॉजिक है। जब मैं और सोऊंगा, दोस्तों वापस हो चुकी है ये बहुत अच्छी वाली सुबह, तो अभी मैं फटाक से चलता हूँ अपने फार्म की ओर। और राइट, तो अभी यहाँ से मैंने एक दो तीन चार ना, तो अभी इसको भी ले लेते यहाँ से चार, एक दो तीन, तीन चार, ठीक है, एक दो तीन, फिर यहाँ से भी एक। ओ भाई, ये शायद एक दो तीन है, एक दो तीन चार, एक दो तीन, तो ठीक है, ये मेरा एक सर्कल बन चुका है शायद, हाँ सही सही है। तो अभी इसको फटाक से तोड़ लेते हैं, हटा लेते हैं सारा सैंड। ओ भाई 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 भाई, भाई। मेरा मतलब सावे इतना खतरनाक काम कर रहा है ना गाइस, कि अब क्या ही बताए। अरे भाई, और राइट गाइस, तो यहाँ का मैंने सारा ही हटा लिया है, क्या बोल रहे सैंड, तो अभी मैं यहाँ पे फटाक से लगा लेता हूँ। और राइट, तो सारा डर्ट लगाने के बाद मुझे फिर विलेजर का भी काम करना है। और भाई साहब, मेरा पूरा डर्ट ही खत्म हो गया, तो मैं फटाक से और डर्ट ले आता हूँ।
और मैं सोच रहा कि मैं विलेजर को मतलब ले जाऊंगा कैसे। तो अभी मैं इसको फटाक से पहले फिलअप कर लेता हूँ। वही और राइट गाइस, तो इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर 1 2 3 ना, तो 1 3 यहाँ पर, यहाँ पर एक, यहाँ पर यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन चारों में रहेगा पानी। तो अभी मैं यहाँ से फटाक से पानी ले आ रहा हूँ। मैंने शायद बकेट भी नहीं लिया ना। हाँ, मैंने बकेट भी नहीं लिया है। और राइट, तो बकेट मेरे पास ही रहा। चलो वाटर का काम कर लेते हैं। और यहाँ पर तो अनलिमिटेड सोर्स का पानी बना के रखे हैं ही, तो फटाक से पानी भी भर लेते हैं। सिर्फ एक लास्ट जगह बाकी है पानी भरना। और राइट, और ये पानी भर गया। सो अभी मुझे इन सभी के ऊपर कारपेट लगा देना चाहिए। और कारपेट मेरे पास शायद होना तो चाहिए। कारपेट नहीं है, लेकिन कारपेट बनाने जितना तक का वूल है, तो मैं ये वाला वूल ले लेता हूँ। ये वाला वूल बहुत ज़्यादा है। और अभी कारपेट ना बन जा। हाँ चलो, बन गया। बाकी का वूल को रख देते हैं। और अभी ये कारपेट को हाथ में लेकर लगा देता हूँ वहाँ पर। ये यहाँ पर लग गया, यहाँ पे, यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, सो कारपेट का भी काम हो गया है। अभी मुझे यहाँ पर नीचे का काम भी करना है ना। तो यहाँ पर रहेगा हमारा विलेजर। ये कुछ ऐसे बनेगा। और राइट, यहाँ पर रहेगा हमारा विलेजर। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग हॉपर का काम। यहाँ पे एक हॉपर, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्पून लगाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। अगर यहाँ पे रहेगा हॉपर, यहाँ पे रहेगा चेस, तो मेरा यहाँ से निकलने का रास्ता बना देना चाहिए। ये सही रहेगा, कुछ ऐसे लगेगा। और राइट, तो यहाँ से मैं एंटर करूँगा। और यहाँ पर रहेगा हमारा चेस्ट, ये हॉपर। यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है। और राइट, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेते हैं, इतना ठीक रहेगा। तो अभी मैं फटाक से चेस्ट और हॉपर का काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक हॉपर मिल गया है। अभी इसके अंदर तो कुछ है नहीं, इसी को ले लेते हैं। मेरा एक्स कहाँ गया? और राइट, तो मैंने यहाँ से मुझे इसको भी ले जाना होगा ना। तो मैं नया चेस्ट बना ही लेता हूँ, वो ठीक रहेगा। तो नया चेस्ट बनाने के लिए मैं कौन सा वुड यूज़ करूँ? मेरे ख्याल से स्प्रूस वुड, क्योंकि स्प्रूस वुड का तो भाई साहब जो भरमार है। अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से इतना चेस्ट काफ़ी रहेगा। और मैं आयरन भी ले लेता हूँ। आयरन तो बहुत है मेरे पास, इतना काफ़ी है। तो आयरन से मुझे एक हॉपर बन जा। और राइट, तो एक माइनकार्ट, और माइनकार्ट विथ हॉपर, ठीक है। तो अभी मेरे पास शायद एक रेल था,
हाँ है मेरे पास एक रेल, इसको ले लेते हैं, चेस ले लेते हैं और हॉपर ले लेते हैं। माइनक्राफ्ट हॉपर का भी ज़रूरत है। खाना को हाथ ही में रखते हैं, वो सही रहेगा। और मेरे ख्याल से एक हॉपर से नहीं होगा, मुझे एक और हॉपर चाहिए ना। एक और हॉपर के लिए मैं, ओ भाई, मैं थोड़ा सा आयरन और ले लेता हूँ। तो दो ही हॉपर ले लेते हैं, इतना हॉपर तो काम हो ही जाएगा। और राइट, तो अभी सबसे पहले नीचे से करते काम। यहाँ पे रहेगा हमारा, एक मिनट, नहीं यहाँ पे नहीं, मेरा एक्स कहाँ गया भाई। यहाँ पे रहेगा हमारा दो चेस्ट, इस पे कुछ ऐसे। तो ये सही हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये खुल रहा है कि नहीं। हाँ ये खुल रहा है। और राइट, तो अभी यहाँ पर भी एक चेस्ट ऐसे, हमारा हॉपर यहाँ पर, इसके ऊपर ऐसे। एक मिनट, ये तो दिक्कत हो गया। ये चला गया अब नीचे ना। तो अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना होगा, स्टोन सही रहेगा। स्टोन लगाते हैं और फिर नीचे जाकर ये रेल कलेक्ट कर लेके। और यहाँ पर सबसे पहले माइनक्राफ्ट विद हॉपर बनाकर लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गया, इसको तोड़ देते हैं। ये परफेक्टली फिट हो गया है। और गिलास कहाँ गया मेरा, ये रहा, तो इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी डबल कर लगा देते हैं। वैसे मुझे तीन लेटर लगाना चाहिए, तो अभी मैं सबसे ऐसे लगा लेता हूँ। और ये वापस से रात हो गई। ओ भाई, फटाक से मैं सो जाता हूँ। अरे भाई चढ़ जा। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, वापस से काम करना शुरू करना होगा। भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं। और अभी मेरे पास स्टेनिंग ग्लास खत्म हो गया ना, वाइट स्टेन ग्लास, तो वापस से बना लेते हैं, इतना काफ़ी तो रहेगा ही। अरे भाई साहब, ये कुछ ऐसे लग जाएगा। अभी मुझे थोड़ा सा और चाहिए ना, तो मैं फटाक से पहले बना लेता हूँ और अब बहुत ज़रा बना लेता हूँ, बहुत सारा, 40 सही रहेगा। और राइट, तो इतना काम मेरा हो चुका है। एक नज़र बाहर से घूम के देख लेते हैं, तो बाहर से भी सही है। अभी मुझे इसको यहाँ से पहले ऊपर चढ़ना है ना, तो मैं स्टोन लगा ही लेता हूँ। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक एडजस्टिंग ग्लास, ये ठीक रहेगा। और अभी मुझे यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा विलेजर ले आना है। और नीचे में मेरा इतना सामान ले लेते हैं वापस। और राइट, तो अभी मुझे सबसे पहले, एक बारिश हो रही है, ठंडा स्टॉर्म हो रहा है, एक बार सो के देख लेते हैं। नहीं नहीं ये बारिश हो रहा है, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे उतना काम हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर
हो इससे पूरा कर देना है, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए एक कंपोस्टर, एक बेड और सूम लाइट तो मैंने ले लिया है ही। तो अभी सबसे पहले चेक किया जाए कि कौन सा विलेजर मतलब फार्मर मेरे लिए काम कर सकता है। हाँ ये सेट काम कर सकता है। भाई तुम्हारा बेड ये है क्या? मैं जर ट्राई कर लूँ। हाँ उसका बेड वही है। तो फिर यहाँ पर रखते हैं। आ जा विलेजर। क्या हो गया भाई? हाँ चल पकड़ा तो था यार, मैंने खाम खाम ही ये उसका तोड़ दिया बेड। कहाँ चला गया वो वाला फार्मर कहाँ गया? ओ भाई सो दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले इन सभी लोगों का ये कंपोस्टर को हटा लेते हैं। हटा कर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा विलेजर है, कौन सा फार्मर है। तो अभी कुछ इसको ऐसे लगा दिए हैं। अभी एक बार सिर्फ चेक करना है कि कहाँ से वो आ रहा है। तो मुझे वो वाला फार्मर तो नहीं मिला कि मैं दूसरा फार्मर ले आया हूँ। दूसरे फार्मर का कर लेता हूँ। भाई साहब ये बारिश कब बंद होगा यार? बारिश की वजह से तो मैं अभी काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर जब तक मतलब वो लोग आता है नहीं तो मैं अपना फार्मिंग ही कर लेता हूँ पहले। और फिर यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? तो मेरे पास सीढ़ी भी नहीं है ना, सीढ़ी बना लेते हैं। और राइट इतना सीढ़ी काफ़ी रहेगा। मैं यहाँ से चढ़ के यहाँ से चढ़ जाऊँगा। और अरे यार यहाँ पे तो मतलब सीढ़ी लगता ही नहीं है यार, धर टेढ़ की कांच में सीढ़ी नहीं लगता है हुआ। ठीक है तो मैं यहाँ पर एक सीढ़ी एक यहाँ पर से कुछ ऐसे लगा दिए हैं, ये सही रहेगा। चलो ये सही है। अभी शायद बारिश बंद क्यों नहीं हो रहा यार। सो गाइस जब तक बारिश बंद नहीं होता है अभी मुझे वही सब काम करना होगा इंटीरियर का। तो मेरे पास शायद गाजर यहाँ पे है 14 है, बस 14। तो मैं फटाफट से 14 ही लगा देता हूँ, वहाँ से भी निकाल कर लगा दूँगा बाद में। अभी आई थिंक रात होने को आया क्या? हो जा। सोता क्यों नहीं या? और राइट गाइस तो मैं अब सो चुका हूँ। अभी इस ये विलेजर का इस फार्मर का और ये बारिश बंद क्यों नहीं हुआ? हाँ अब हो गया। तो हाँ तो ये एकदम सही है। मैं यहाँ से सीढ़ी हटा लेता हूँ और अभी इसको इसके बेड के पास आ जाओ आ जाओ। पकड़ ले।
चलो तो इसने पकड़ लिया। वैसे पहले मैं इसका ट्रेडिंग देख लेता हूँ। तो ये आलू ले रहे हैं ना। अभी ट्राई करते हैं। शायद इतना दूर का रेंज में नहीं पकड़ रहा है। छोड़ो हटाओ, मैं इसका सबसे पहले बेड वेड ले आता हूँ। लिया नहीं। चलो तो अभी इसका बेड को भी, अरे भाई साहब, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रास्ता बना लेता हूँ ताकि वो भी घुस पाएगा और मैं भी घुस सकूँ। तो यहाँ पे सबसे सेंटर लेते हैं ना। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 11। तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया सेंटर। और राइट, तो इसका बेड में ऐसे लगा देता हूँ। वहाँ पर रहेगा उसका कंपोस्टर। तो मैं सबसे पहले सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर उसका कंपोस्टर लेते हैं। उससे पहले मैं पानी ले लेता हूँ, बकेट ये रहा। और राइट, तो बकेट भी ले लिया हूँ। यहाँ पर रहेगा पानी उसका। और यहाँ पे ऊपर में इसका कुछ ऐसे लगाकर ये हो जाएगा यहाँ पे इसका शुरूम लाइट। चलो तो अभी मैं फटाक से चढ़ता हूँ, शुरूम लाइट हटाते हैं। चलो अभी देखते हैं क्या ये ऊपर आ पा रहा है या नहीं। हटाओ, इसको जबरदस्ती ले आएंगे। चलो यहाँ पे इतना लाइट काफ़ी रहेगा इसके लिए ताकि अंदर में कोई स्पॉन ना हो सके। और अभी मैं रेल बना के ले आता हूँ और माइनकार्ट। और राइट गाइस, तो रेल के लिए लगता है स्टिक। तो मैं स्टिक ले लिया हूँ। और अभी सबसे पहले ये वाला रेल बनाते हैं, आयरन पर निकालते हैं ना। तो रेल बन जाएगा, इतना काफ़ी रहेगा शायद। और एक माइंड कार्ट। चलो तो माइंड कार्ट यहाँ पे, रेल यहाँ पे। और अभी इसको ऊपर चढ़ाना होगा ना। और राइट, तो इसको सबसे पहले यहाँ से घुमा के ले आना होगा ना। इसको कुछ ऐसे ले आते हैं। चलो तो ये फाइनली वहाँ पे चढ़ गया है। अरे भाई, मैं क्यों नीचे गिर गया। मैंने यहाँ पर जो अपना कला की रेट दिखाया है इसको तोड़ लेते हैं। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन तब भी काम चल जाएगा। और अभी मैं इसको फटाक से अंदर की ओर ढकलता हूँ। और ये गया। चलो तो हमारा इतना काम हो चुका है, अभी इसको तोड़ लेते हैं। और राइट, तो अभी मुझे खुद खुद के लिए ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ऐसे करना चाहिए। और अभी यहाँ पर अरे भाई, नहीं 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 तुमको गाजर उगाना है। अरे भाई, अरे भाई, ये ले गाजर उगा जा। और राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से प्लेटफॉर्म बना दिया है।
अब बस मुझे वो साइड में एक विलेजर चाहिए जो मतलब उससे लेगा, मतलब लेगा क्या, मतलब लेने का काम करेगा। तो उसके लिए भी एक अच्छा बना देते हैं रास्ता, ऐसे करके जाएगा। कहाँ गया मेरा रेल ट्रैक, ये रहा। इसको कुछ ऐसे, और अभी यहाँ से लेके जाना है ना, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ तक भी लेके आ जाना चाहिए। कौन आएगा? इसको ले चलते हैं, क्योंकि इसके साथ तो मतलब इतना अच्छा वाला ट्रेडिंग हो चुका है। ये तो मुझे बस ये टट्टी वाला चीज़ दे रहा है, और एक ये है जो अच्छा है, जो इसको मैं फिर कभी बनाऊंगा। तो अभी इसको सबसे पहले इसका ट्रेडिंग देखते हैं। चला जा, अभी